नमस्कार साथियों, ये दिलचस्प है कि हनुमान चालीसा में यश तो हनुमान जी का वर्णित किया गया है, लेकिन तुलसी उसे रघुबर बिमल जसु के वर्णन के रूप में क्यों बताते हैं? इसको आप विरोधाभास रचने की उसी प्रवृत्ति के भीतर ले सकते हो जिससे अभी अभी तुलसी ने चरण रज से मन दर्पण का साफ होना कहा। आभास है विरोध का, लेकिन विरोध वास्तविक नहीं है। तुलसी हमें प्रतीति की व्यर्थता के बारे में बताते हैं। प्रतीति को सत्य नहीं समझ लेना है। अपीयरेंसेस आर ऑफन फॉल्स, ये भी एक माया है और सच्चाई इस माया का निराकरण करती है। वास्तव में जो विरोध लगता है वह सब भी भक्ति की दुनिया में आकर विलय हो जाता है। हनुमान का यश वर्णन राम का ही यश वर्णन है। भक्त और भगवान में भेद नहीं है। भक्ति में सायुज्य है, भक्ति में सारूप्य है, भक्ति में सामीप्य है, भक्ति में सालोक्य है। हनुमान राम के लोक में ही नहीं है, आलोक में भी हैं। हनुमान राम के सानिध्य में हैं, वे भगवान के साम्य में हैं और अंततः उन्हीं में लीन है। भक्ति की एक विशेषता यह ट्रांसेंडेंस है, यह अतिक्रांति है। इसलिए डिवोशन शब्द भक्ति का एक अत्यंत अक्षम अनुवाद है। भक्ति में सायुज्य या सारूप्य कभी भी भक्त का लक्ष्य नहीं है। हनुमान तो हमेशा राम के दास ही बने रहना चाहते हैं और इसलिए हनुमान चालीसा में सदा रहो रघुपति के दासा कहा भी गया है। सो तो वे मुक्ति भी नहीं चाहेंगे, हमेशा रघुवीर की चरण सरोज रज ही वे ग्रहण करना चाहेंगे। लेकिन लक्ष्य न रहने पर भी भक्ति की परिणतियों पर किसी का वश नहीं है। भक्ति में और विशुद्ध भक्ति में तो यह उदात्तीकरण हो ही जाता है। विशुद्ध भक्ति एक तरह का अभेद है, भेद सतह है। तुलसी हनुमान चालीसा के प्रस्थान पूर्व ही उस सतह को दिखाकर उस अंतस्तत्व की ओर, उस अंतः सत्व की ओर ले जाते हैं जहां भक्त और भगवान के भेद मिट जाते हैं। जब भक्त की पूर्णाहुति भगवान होने में है, विलय में ही लय है। लेकिन इस दार्शनिकता के इतर इस बात का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। हनुमान चालीसा हनुमान का यश वर्णन है, पर है वह पूर्णता राम रेफरेंस में, राम के संदर्भ में। तुलसी के लिए तो सभी नाते जो हैं राम के मनियत हैं, नाते सभी राम के मनियत। तो यों तो हनुमान चिरंजीवी हैं, सब तो चिरंजीवियों में से एक हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में हनुमान के उस परवर्ती जीवन का कोई परिचय नहीं मिलता जहां महाभारत काल में भी हनुमान के प्रसंग आते हैं। गंधमादन पर्वत के कमल सरोवर के पास हनुमान ने भीम का गर्भचूर्ण किया था, पर तुलसी उसका उल्लेख नहीं करते कि जब भीम हनुमान की पूछ भी नहीं हटा पाए थे। हनुमान कुरुक्षेत्र में ध्वजा रूप में 18 दिनों तक अर्जुन के रथ पर विराजमान रहे, तो वह रथ भी भीष्म और कर्ण के बाणों से सुरक्षित रहा और युद्ध समाप्त होते ही कृष्ण और अर्जुन के रथ से उतरने पर हनुमान के रथ से हटते ही वह रथ क्षार क्षार हो गया, पर तुलसी उसका भी उल्लेख नहीं करते। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुड़ का गर्व भी चूर्ण किया, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। हनुमान के ऐसे प्रसंगों का भी कोई वर्णन हनुमान चालीसा में तुलसी द्वारा नहीं किया गया है। हनुमान के बलराम से युद्ध का प्रसंग भी इस चालीसा में नहीं दिया गया। न आनंद रामायण में आई उस कथा का भी कोई संज्ञान तुलसी लेते हैं कि जब अर्जुन हनुमान को उलाहना देते हैं कि राम ने पत्थरों से पुल बनवाया जबकि वे उनकी तरह बाणों से पुल बना सकते थे। अर्जुन के द्वारा 3 बार बाणों से पुल बनाया जाता है और 3ों बार हनुमान के कदम रखते ही वो टूट जाता है और तब अर्जुन का गर्व भंग होता है। हनुमान और लवकुश का प्रसंग भी यहाँ नहीं है और सत्यभामा के गर्व का भंग करने वाला प्रसंग भी नहीं है। तुलसी हनुमान चालीसा को सिर्फ राम के संदर्भ में ही रचते हैं और इसलिए हनुमान का यश वर्णन रघुबर का यश वर्णन ही है। दोनों के अस्तित्व की धुरी राम है, भले तुलसी हो या हनुमान। भले ही तुलसी कृष्ण की तावली रच लें या हनुमान महाभारत में दिख पड़े। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें
जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।